है आपका आईबीएन 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वर्गीय मोरूमल जी खतुरिया का जन्म सिंध के जेकोबाबाद में हुआ था। पिता स्वर्गीय बादलूमल खतुरिया, माता स्वर्गीय सदोरीबाई खतुरिया 4 वर्ष की आयु में पिताजी की मृत्यु हो गई। बचपन में सिंध में संघ की शाखा में डॉक्टर कमल सचदेव के साथ जाते थे और उस समय हिंदू महासभा का काम करते थे। जनसंघ से जुड़े होने के कारण उन्होंने जेल यात्रा भी की। रविवार को उनके परिजनों और वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में उनको नमन किया गया। स्वर्गीय मोरूमल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे। आपातकाल में हम लोग सब लोग एक साथ जिला जेल में बंदी रहे उस दौरान भी, और वहाँ से आज़ाद होने के बाद राजनीतिक जीवन में भी हम लोग साथ में रहे। बिल्कुल सहज सरल निष्काम निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में आज हम सब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। स्वर्गीय मोरूमल जी का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है, उनके पुत्र और परिवार के लोग भी उस आदर्श को निभा रहे हैं। इतने सालों के बाद आज बुलाया हमें यहाँ, हम आए और हमें एक अच्छी अनुभूति हुई हमारे पुराने साथी को याद करके। आपका नाम? मेरा नाम गिरीश शर्मा है, मैं लोकतंत्र सेनानी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। मोरूमल जी सुपारी वाला जनसंघ के सबसे पुराने कार्यकर्ता थे। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई इन लोगों ने, जनसंघ के समय जब काम नहीं करने वाले लोग होते थे हमारे पास, संघर्ष किया, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद पार्टी का काम करना, देश का काम करना। सिंध में भी वो मोरूमल जी हिंदू महासभा काम करते थे, सिर्फ देश के लिए काम करना, राजनीति से उनका मतलब नहीं रहता था। जनसंघ के कार्यकर्ता थे, पहले हिंदू महासभा थी सिंध में, तब वो हिंदू महासभा काम करते थे, बाद में जनसंघ का, यहाँ पर जनता पार्टी बनी आपातकाल के बाद। आपातकाल में 19 माह जेल में रहे और घर की स्थिति हमारी इतनी खराब थी, आटे की भी हमको तकलीफ रहती थी, पर उनको जनता में पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री प्रकाश चंद सेठी ने कहा उनको, मोरूमल जी आप बीजेपी छोड़ दो। हरूमल जी रिजवानी को भी कहा कि जनसंघ छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं, जनसंघ में रहना गुनाह नहीं होता है, हम जनसंघ ही रहेंगे, आपको जेल में रखना है तो 50 साल रखो, पर हम पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। इससे लोगों के मेहनत का परिणाम आज हिंदू समाज को, कमजोर तबके को सहयोग इकट्ठा करना, ये कॉलोनी भी उनका ही निर्माण का कार्य है। डॉक्टर कमल सचदेव, हरूमल रिजवानी, मोरूमल सुपारी वाला, गिरी जी, और हम सब छोटे थे जब उनके बच्चों से काम करते पार्टी का, लाल सिंह चूड़ावत या प्रेमचंद जी राठौड़, उन्होंने संघ के भी हमारे अधिकारी वही रहे, पढ़ाया भी स्कूल में माँ दयानंद, हम साथ पढ़े, सिर्फ देश हित का ही एक जन्म रहता, पार्टी से हमारा मतलब नहीं, सर्वपहले देश हित, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए उनकी यादगार कायम रहे, इसलिए हम ये कार्यक्रम करते, आप सबका सहयोग हमें मिलता है, धन्यवाद। भारत माता की जय। अशोक मोरूमल अध्यक्ष, जय जगत गृह निर्माण संस्था और जकबाबाद पंचायत का में कार्यकारिणी सदस्य। जी खतुरिया जी की पुण्यतिथि है। दादा मोरूमल जी का संपूर्ण जीवन समाज सेवा में व्यतीत हुआ। दादा मोरूमल जी जब पाकिस्तान से 1947 से भारत में आए, तब उदयपुर से लेकर इंदौर तक उनका सारा जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा, कार्य समाज के प्रति कार्य करते रहे। इंदौर में लगातार भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से टस से मस नहीं हुए, अपने सिद्धांतों पे जीवन भर कायम रहे। दादा स्वर्गीय मोरूमल जी के साथ मेरा निकट का संपर्क रहा, पारिवारिक संपर्क रहा। मेरे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर कमल सचदेव के परम मित्र थे, और उनका दोनों का इस तरह का जीवन था कि दोनों भाइयों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। आपका नाम? राजेंद्र सचदेव। प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हूँ और इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, राष्ट्र सेविका समिति से भी जुड़ी हुई हूँ, और मेरे पति आरएसएस से थे और मोरूमल जी भी आरएसएस से ही संबंधित थे, और मेरे पति दयानंद में ही टीचर थे, तो इनके बच्चे सब पढ़ते थे और मतलब संघ के कार्यकर्ता ही थे मेरे पति भी, और ये सब मिसा में बंद थे, तो जब भी मोरूमल जी मिलते थे तो हमें सुपारी वगैरह खिलाते थे, और इनकी पत्नी से हमारा अच्छा संबंध था। जब मिसा में बंद थे तो हम लोग सब साथ में काम करते थे, महिलाएँ वगैरह कलेक्टेड जाना, पेरोल लेना, ये करना, सब हम साथ में मिल के काम करते थे, क्योंकि पति हमारे सब चले गए थे जेल में, हम लोग ही बाहर थे, तो हम लोगों ने सब मिलके काम किया, महिलाओं ने बच्चों को संभालना, एक दूसरे का। लक्ष्मी राठौर।
भाई साहब, हम मीसा में साथ में रहे आपातकाल में, और हमें उन्होंने छोटे भाई जैसा प्यार दिया, आनंद दिया। हम तो बच्चे थे 17-18 साल के उस समय जब कृष्ण जन्मस्थली में गए, और हमारे कई साथी जो है वहाँ पे बहुत बुरी तरह से, जिसको कहना चाहिए डिप्रेशन में आ जाते थे, उन सबको साथ के, और उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य जो संघ संगठन का है कि आचरेवेती चरेवेती आगे बढ़ो, उसी प्रकार से हम लोगों को भी साधा और साथ में रह के, और उस प्रकार से हमको आशीर्वाद दिया कि हम लोग उस समय को, जो कि किसी भी प्रकार से सबको निकालना बहुत मुश्किल था, उस समय में हमारा को आशीर्वाद दे के साथ में उन्होंने बढ़ाया। हम छोटे भाई के रूप में उनके साथ में रहे और उन्होंने हमको बहुत आगे बढ़ाया, और बाद में भी जब भी मिलते तो सुपारी वाले के नाम से हम तो जानते थे, खतूरिया सरनेम तो हमने बाद में समझा, और जब भी मिलते तो झट हमारों को सुपारी देते, ले गणेश सुपारी ले और आगे चल, अपन साथ में चलेंगे, और इस प्रकार हम संगठन में सदा जुड़े रहे। गणेश कुमार अग्रवाल और अभी प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व है लोकतंत्र सेनानी संघ ने। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।